भोज्य पदार्थ अलग अलग समूह में है, ऐसे 10 खाद्य समूह है। पहला खाद्य समूह है माद वाला भोजन, जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार आदि जड़ तने वाले सब्जियां, जैसे कि मिश्री कंद, आलू, ओल, अरुई, केला इत्यादि। दूसरे खाद्य समूह में आते हैं मौसमी दाल एवं फलियां, जैसे चना, मूंग, कुर्थी, अरहर, राजमा और सोयाबीन इत्यादि। तीसरा खाद्य समूह बादाम, अखरोट, तिल, सूर्यमुखी, कद्दू और कोहरे का बीज। चौथा समूह जिसमें मीट, मछली या कलेजी। पांचवा समूह पर जिसमें आते हैं अंडा। छठा समूह दूध या दूध से बने भोज्य पदार्थ, जैसे छेना, दही, मट्ठा। सातवां समूह मौसमी एवं हरी पत्तीदार सब्जियां, जैसे चना, पालक या फिर सहजन का साग या फिर फूलगोभी, मूली का पत्ता। आठवां खाद्य समूह पीले फल एवं सब्जियां, पका पपीता, गाजर, टमाटर, कोहरा, आम, खरबूज, आडू इत्यादि। नौवां खाद्य समूह ककड़ी, टमाटर, फूलगोभी, बंद गोभी, मशरूम, प्याज, परवल, बैंगन, नेनुआ, भिंडी। दसवां खाद्य समूह सेब, अंगूर, अमरूद, नारियल, खजूर, शहतूत, जामुन, आंवला, कटहल। गर्भावस्था में इन 10 समूहों में से कम 5 समूह प्रतिदिन का आहार में लेना जरूरी है। मौजूदा कोरोना महामारी संकट के समय गर्भवती महिलाओं के अंदरूनी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रखना और भी ज्यादा आवश्यक है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक और संतुलित आहार लेने के साथ ही साथ कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि बाजार से खरीदे फल, सब्जी और दूध की थैली को गुनगुने पानी में अच्छे से धोएं, पके और कच्चे भोजन को अलग अलग ढक कर रखें, बासी भोजन ना लें, ताजे फल और सब्जियों का भोजन में अधिक मात्रा में प्रयोग करें ताकि शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे। खाना बनाने और खाने के बर्तनों को तथा रसोई और उसमें इस्तेमाल होने वाले कपड़े को नियमित रूप से साफ करें एवं ध्यान रखें अगर आप बीमार हों तो भोजन बनाएं या परोसे नहीं। इसके अलावा खांसते या छींकते समय हमें रुमाल, कोहनी या फिर मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अपने आँख, नाक और मुंह को नहीं छूना चाहिए एवं इधर उधर थूकना नहीं चाहिए तथा 2 गज की सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखना चाहिए। सावधानी एवं संयम को अपनाना है, आइए कोरोना को मिलकर हराना है।